गीताज पकवान में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं शाम के लिए हल्के फुल्के नाश्ता के लिए कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक दो मैंने जन के लिए आदमी के लिए मैं बनाने रहती हूँ। मैं झाल मोड़ी या झाल चूड़ा है समझ जाइए, उसको रोस्टेड करके बनाती हूँ। रोस्टेड चूड़ा भाजा और मूँगफली से उसको एक चम्मच तेल में और हल्का सा उसको भून लेती हूँ। उसके बाद देखिए उसमें महीन महीन मैं बारीक प्याज काट के रखी है, एक दो हरी मिर्च ली है, उसके बाद भिंगा हुआ चना और एक आलू बॉईल करके उसको कटिंग करके छोटे छोटे चॉप करके रखी हूँ। उसे भुजिया, अब चनाचूर भी डाल सकते हैं लेकिन घर में अभी चनाचूर नहीं है। नारियल भी महीन महीन करके बारीक काट के डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, ऊपर से मिर्ची पाउडर और नमक। बस मैं लाना अब शुरू कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं प्याज बारीक बारीक काट करके मैं इसमें डाल दिए, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद भींगा हुआ चना, उबले वो आलू सबको डाल दे रही हूँ, उसके बाद ये भुजिया। अगर आपके पास चना चूर है तो चना चूर भी डाल सकते हैं, नारियल है तो नारियल भी छोटे छोटे महीन महीन बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, अगर जब तीखी पसंद है तो खाइए, नहीं तीखी पसंद है तो मिर्ची पाउडर नहीं भी डाल सकते हैं, हल्का सा नमक भी डाल दूँगी। बस तैयार हो गया। अगर धनिया पत्ता आपके पास है तो धनिया पत्ता डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। बस ये झाल मुढ़ी रेडी हो गया। ये बहुत अच्छा लगता है, प्लेन झाल चूड़ा या प्लेन मुढ़ी से अच्छा ये झाल मुढ़ी अच्छा लगेगा खाने में और बहुत स्वादिष्ट। अगर आपको पसंद आवे ये रेसिपी तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।